नमस्कार, मैं सुचेता शर्मा यमुनानगर के गांव जुटा जटान के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में चली गोली। स्कूल में दहशत का माहौल। दरअसल मामला इस तरह से है कि स्कूल में पढ़ाने वाली महिला टीचर का अपने पति से विवाद चल रहा था और उसके पति को उसका स्कूल में नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके चलते आज उसने स्कूल में महिला टीचर को पहले क्लास से बाहर निकाला और उस पर जानलेवा हमला करते हुए उसे जमकर पिटा और फिर प्रिंसिपल के रूप में उस पर गोली दाग दी। संजोग की बात ये रही कि गोली ना ही प्रिंसिपल को और ना ही महिला टीचर को लगी। घटना के बाद घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोल को कब्जे में लेकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। जब ये घटना हुई तब पूरा स्कूल लगा हुआ था और इस घटना के बाद से ही स्कूल के सभी बच्चे डरे हुए हैं। बच्चों ने बताया कि उनके एग्जाम चल रहा था, तभी अचानक महिला टीचर का पति आया और बाद में फिर गोली की आवाज आई, जिससे अभी भी वो दहशत में है। वहीं इस घटना में घायल हुई महिला टीचर रेनू ने बताया कि हम सोनीपत के हैं, मैं यहाँ स्कूल में नौकरी करती हूँ। सर, मेरे हस्बैंड हमेशा से सिक्योर अजीब मेंटेलिटी के इंसान है। उनको ये पसंद नहीं मैं जॉब करूँ या घर से बाहर जाऊँ, किसी से बात करूँ, अपने मायके तक जाऊँ, उनको ये सब पसंद नहीं है। जब से उसकी शादी हुई है तभी से ही मेरे पति मुझे तंग करते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल में नौकरी करूँ, और मुझे बोलते हैं कि या तो तू फांसी ले ले, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने जब उनको बोला कि ये सब तो नहीं निभ सकता तो उन्होंने कहा या तो खुद फांसी खा के मर जाना, मैं गोली मारूंगा। अभी थोड़ी देर पहले थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि जुड्डा जटान गांव में स्कूल में किसी टीचर को गोली मार गया है कोई, तो यहाँ मौके पहुंचे थे। रेनू नाम की टीचर है जो अभी पीछे ज्वाइन किया था, तो उसके घर वाले के साथ उसका कुछ डिस्प्यूट आपस में, तो उसने इसके ऊपर फायर किया है और फायर तो इसको नहीं लगा लेकिन देसी कट्टे का जो पता लगा हमारे को, देसी कट्टा था उसके पास, उसका बट मारा है इसने इसके सिर में।